चार्ट में दिया गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन सिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स दिए गए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये स्टूडेंट्स हैं और ए बी सी डी ई एफ उनके सब्जेक्ट्स हैं। ये टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट हैं, जो कि टोटल मार्क्स बनते हैं 100 प्लस 150, 250, 300, 375 और इस तरह, ये टोटल ऐड करें तो हमारे पास आता है 600 टोटल मार्क्स हैं। और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे टोटल। और क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स एम इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। ये है स्टूडेंट एम, इसकी परसेंटेज बतानी है कि इसने कितने परसेंट तमाम सब्जेक्ट्स में मिलाकर लिए हैं। तो हम इन तमाम सब्जेक्ट्स में जो इसने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स, उनको ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो इसके टोटल ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, जो कि बनते हैं 470। अब हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड 470 ओवर टोटल 600 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये इक्वल है 78.33 के, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।